Good morning, students. So today we are going to start your last exercise of differential equation, that is miscellaneous exercise. In this exercise, nothing is new. जो आपने अब तक किया है वही सारा आप recall करोगे. और exercise start करने से पहले एक बार हम recall करते हैं कि हमने अब तक हर exercise में क्या किया. सबसे पहले हमने किया था differential equation क्या है. Differential equation is that equation in which the derivative is present without any unknown constant. उसके बाद हमने order और degree निकाली थी. Order हमने क्या कहा था? Highest order derivative. और degree क्या था हमारे पास? The power of highest order derivative is called degree. उसके बाद हमने form the differential equation. कि हमने differential equation कैसे बनाते हैं. तो statement आप ध्यान से देखोगे, form है या solve है. फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन है तो हम ये देखते हैं कि जो हमें एक्स और वाई में रिलेशन गिवन है उस इक्वेशन में कितने अननोन कांस्टेंट हैं. जितने अननोन कांस्टेंट होंगे उतनी बार आप डेरिवेटिव कर सकते हो और अकॉर्डिंग टू दैट ओनली यू हैव टू फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन विदाउट एनी अननोन कांस्टेंट. लास्ट से आपको एलिमिनेट करने होते हैं अननोन कांस्टेंट्स जो भी ए बी सी आपके पास गिवन होते हैं. उसके बाद हमने डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना सीखा था. उसके लिए हमने तीन मेथड किए थे. पहला मेथड आपके पास था वेरिएबल सेपरेशन का, दूसरा आपके पास था होमोजीनियस और तीसरा था लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. और तीनों को सॉल्व करने के लिए मैंने कहा था कि एग्जाम में कभी ये मेंशन नहीं होता कि ये कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन है या किस मेथड से आपको सॉल्व करना है. तो इसलिए आप क्या करोगे, सबसे पहले dy by dx निकालोगे. dy by dx निकालने के बाद आप राइट हैंड साइड चेक करोगे कि अगर वो फैक्टर्स की फॉर्म में है तो वेरिएबल सेपरेशन है, अगर हर टर्म की डिग्री सेम है तो वो होमोजीनियस है, और अगर वो भी नहीं है देन गो फॉर द थर्ड फॉर्म, दैट इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, दैट इज dy by dx प्लस py इक्वल टू क्यू फॉर्म. इतना हमने एक्सरसाइज 9.1 टू 9.6 में किया था. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट मिसलेनियस, जिसमें क्वेश्चंस के हिंट मैं दूंगी, सॉल्व आप करोगे. अगर सॉल्व नहीं होंगे देन यू कैन मेंशन इट इन द कमेंट बॉक्स. बेटर है कि आप एक बार खुद ट्राई करोगे आफ्टर गिविंग यू द हिंट्स, एंड देन आफ्टर दैट ओनली इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन आस्क फ्रॉम मी. राइट, आपके पास मिसलेनियस एक्सरसाइज फर्स्ट क्वेश्चन देखो. For each of the differential equations given below, indicate its order and degree. Order और degree कर सकते हो. Order क्या होता है? Highest derivative, कि कितनी बार differentiate किया गया है, और degree होता है उसी term की, उसी derivative की power. That is called degree. Second question में आपके पास solution भी given है और differential equation भी given है. आपको verify करना है, इसका मतलब solution है. सिर्फ आपको चेक करना है जैसा आपने एक्सरसाइज 9.2 में किया था. क्वेश्चन नंबर थर्ड, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द फैमिली ऑफ कर्व्स गिवन बाय दिस. आपके पास इक्वेशन गिवन है x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस टू वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर. कितने अननोन कांस्टेंट है? सिर्फ एक. और उसके लिए सबसे पहली चीज, अगर आपको और इजी बनाना है तो थर्ड क्वेश्चन में देखो मिसलेनियस एक्सरसाइज. थोड़ा सा हिंट देती हूँ आपके लिए, इजी हो जाएगा. आपके पास x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस टू वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर है. ओपन दैट स्क्वायर, नहीं तो हमें वैल्यूज डालनी पड़ेंगी. ऐसा क्वेश्चन बुक में भी आया था एक्सरसाइज में, जहाँ अगर आपको ध्यान हो तो हमने ये कैंसिल आउट किया था और वहाँ से हमने उसको भी सेपरेट कर दिया था कॉन्स्टेंट को. एक्स यहाँ लाए थे और 2a यहाँ. अब इसे आप एक ही बार डिफरेंशिएट करोगे क्वेश्चन रूल लगाकर, तो डायरेक्टली आपके पास कांस्टेंट क्या हो जाएगा? एलिमिनेट. राइट, कर सकते हो अब आप डायरेक्टली, यू कैन एलिमिनेट दैट कांस्टेंट. क्वेश्चन नंबर फोर्थ, प्रूव दैट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन. फोर्थ क्वेश्चन में आपके पास क्वेश्चन भी है और आंसर भी गिवन है. आपके पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन है और आपको ये बताना है कि जो गिवन है दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन.
अब सबसे पहले सॉल्यूशन तो तब निकालोगे जब ये रिकॉग्नाइज करोगे कि ये कौन सी फॉर्म है. तो सबसे पहले dy by dx निकालें, dy by dx, तो ये नीचे आएगा. ध्यान रखना ये रेसिप्रोकल मत लिख देना. dy के साथ की जो टर्म होती है वो नीचे जाती है डिनोमिनेटर में. अब देखो बीच में प्लस माइनस आ गया और ये मल्टीप्लिकेशन x और y के साथ है तो वेरिएबल सेपरेशन तो नहीं है, राइट. सेकेंड फॉर्म में हम हर टर्म की डिग्री चेक करते हैं. 3 1 + 2 3 3 2 + 1 3, हर डिग्री सेम है हर टर्म की. दैट मीन्स इट इज़ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन. और होमोजीनियस के लिए हम क्या करते थे, y को वी एक्स पुट करते थे, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, दोनों को इक्वेट करके उसे सॉल्व करते थे. एक स्टेप और लिख रही हूँ, उसके बाद आप खुद करोगे इसे. इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर वी क्यूब मीन्स वाई क्यूब एक्स स्क्वायर वी एक्स. मैंने कहा था कि अगर यहाँ तक क्वेश्चन ठीक है तो राइट हैंड साइड से x कैंसिल आउट होगा. एक्स क्यूब एक्स क्यूब एक्स क्यूब एक्स क्यूब कैंसिल आउट होकर आपके पास बच रहा है दिस, राइट. अब यहाँ से आप वापस वेरिएबल सेपरेशन पे आओगे, v को वहाँ शिफ्ट करोगे, वेरिएबल्स को सेपरेट करोगे एंड इंटीग्रेटेड, राइट. क्वेश्चन नंबर फिफ्थ. फिफ्थ में आपके पास क्या है, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल्स इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट विच टचेस द कोऑर्डिनेट एक्सिस. अब सर्कल वाई एक्सिस में कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच कर रहा है. कोऑर्डिनेट एक्सिस मींस एक्स और वाई दोनों एक्सिस को टच कर रहा है. तो इसका मतलब आपके पास सर्कल कुछ ऐसा बनेगा जो वाई एक्सिस को भी टच कर रहा है और एक्स एक्सिस को भी टच कर रहा है, लाइक दिस. ये सेंटर होगा, दिस इज द सेंटर ऑफ सर्कल. अब जब x और y एक्सिस को टच कर रहा है तो इसका मतलब आपके पास अगर ये डिस्टेंस मैं a ले लूँ तो ये भी आपके पास a होगा, इक्वल डिस्टेंस, तो सेंटर हो गया ए ए. रेडियस क्या होगा, a. तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या बनेगी, x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस. दिस बन गई. नाउ यू हैव टू फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन. अब आपको डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी है, बनानी है. कितने अननोन कांस्टेंट है, सिर्फ एक a, चाहे तीन बार आ रहा है लेकिन है तो एक ही a. एक बार डिफरेंशिएट करोगे एंड देन यू हैव टू एलिमिनेट दैट a. क्लियर. क्वेश्चन नंबर सिक्स. मैं सिर्फ आपको फॉर्म तक रिकॉग्नाइज करवाती हूँ ताकि आपको ये पता लग जाए कि हम कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे कि ये कौन सी फॉर्म है. आगे आपको इंटीग्रेशन आती है खुद. तो क्वेश्चन नंबर सिक्स, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन. मैं डायरेक्टली उसे उधर ले जा रही हूँ, वहां जाकर नेगेटिव हो जाएगा. अब देखो dy by dx इंटीग्रेशन करने से पहले इसको जरा मैं सेपरेट कर रही हूँ, अलग अलग फंक्शन बना रही हूँ, लिख सकते हैं ऐसे, राइट. अब देखो ये कौन सी फॉर्म है, दिस इज, कैन वी सेपरेट द वेरिएबल्स, dy के साथ y की टर्म्स, x की टर्म्स आ गई, वेरिएबल सेपरेशन. फॉर्मूला कौन सा बन रहा है, 1/√a² - x² का साइन इनवर्स प्लस सी. क्वेश्चन ही सॉल्व हो गया कंप्लीट करते करते एक ही स्टेप में, क्योंकि दोनों में फॉर्मूला आपके पास सेम लग रहा था, राइट. वेरिएबल सेपरेशन था क्योंकि देखो y की टर्म पूरी जा रही है dy के साथ, dx के साथ x की टर्म आ रही है, तो डायरेक्टली इंटीग्रेट. क्वेश्चन नंबर सेवन, शो दैट द जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन बाय दिस वेरी इज आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट. फिर क्वेश्चन भी दिया है और आंसर भी दिया है इसी में.
आपके पास सेवेंथ क्वेश्चन में डी वाई बाई डी एक्स क्या है, माइनस हो जाएगा वहाँ जाके वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। अब देखो फिर से y पूरा और x पूरा, तो dy के नीचे y की टर्म जाएगी, वन अपॉन क्वाड्रेटिक फॉर्म, वन अपॉन क्वाड्रेटिक फॉर्म। वेरिएबल सेपरेशन से हो गया क्वेश्चन और आंसर इसका ऑलरेडी दिया है आपको। क्वेश्चन नंबर एट्थ, क्योंकि जब तक आप खुद नहीं करेंगे क्वेश्चंस अपने हाथों से तब तक नहीं समझ में आएगा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 0π/4 हुज डिफरेंशियल इक्वेशन इज साइन एक्स कॉस वाई डी एक्स प्लस कॉस एक्स साइन वाई डी वाई इक्वल टू जीरो। सबसे पहले डी वाई बाई डी एक्स निकालें, पर्टिकुलर सॉल्यूशन है क्योंकि 0π/4 पॉइंट दिया है, राइट? तो सबसे पहले साइन एक्स कॉस वाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉस एक्स साइन वाई डी वाई। सब कुछ मल्टीप्लीकेशन में है वैसे तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, डी एक्स के साथ एक्स की टर्म्स ले आओ और कॉस वाई इधर आ जाएगा। वैसे तो साइन बाय कॉस टेन, क्या बन गया tan x का इंटीग्रेशन log ऑफ क्या होता है, माइनस log ऑफ cos x या log ऑफ sec x, अगर माइनस log cos लिखते हो या log ऑफ sec x प्लस c। दिस इज द जनरल सॉल्यूशन, और सॉल्व करना है तो इसे लॉग सी भी ले सकते हो, तो ये आ जाएगा लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस लॉग ऑफ सेक वाई इक्वल टू लॉग सी, लॉग एम प्लस लॉग एन, लॉग ऑफ सेक एक्स सेक वाई इक्वल टू लॉग सी। तो आपके पास आ रहा है सेक एक्स सेक वाई इक्वल टू सी, लेकिन पॉइंट भी गिवन था 0π/4 when x 0, y π/4, इसमें पुट करें sec 0, sec π/4 is c। अब sec 0 क्या होता है, cos 0 क्या होता है 1, तो sec 0 1, sec π/4 cos 45 1/√2, तो ये हो गया √2, तो c आ गया आपके पास √2। पुट इन दिस जनरल सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन इज, पर्टिकुलर सॉल्यूशन इज sec x इंटू sec y इक्वल टू √2। कंप्लीट हो गया सॉल्व क्वेश्चन। तो जनरली इसमें आपके पास वेरिएबल सेपरेशन आया है, राइट? नाइन्थ क्वेश्चन, पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है, दिस इज अगेन आई थिंक वेरिएबल सेपरेशन। टेंथ क्वेश्चन में देखो e टू दी पावर x बाय वाई आ रहा है, तो कौन सी फॉर्म है, होमोजीनियस। मैंने कहा था कि अगर ट्रिग्नोमेट्रिक में, एक्सपोनेंशियल में या लॉग में कहीं भी अगर y बाय x या x बाय y फॉर्म आए तो वो होमोजीनियस है, वहाँ कुछ मत सोचना। x बाय y फॉर्म है तो आप dx एक्स बाय डी वाई निकालोगे। इलेवेंथ क्वेश्चन, फिर पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है डिफरेंशियल इक्वेशन का। ट्वेल्थ, इट्स अगेन dy वाई बाय डी एक्स निकालोगे, बट दैट इज विच फॉर्म। देखो आपके पास क्वेश्चन नंबर ट्वेल्थ कौन सी फॉर्म है वो देखते हैं, एक बार रिकॉग्नाइज करते हैं। डी वाई बाई डी एक्स निकाल लो, अपने आप पता लग जाएगा कौन सी फॉर्म है। क्वेश्चन नंबर ट्वेल्थ, ई रेज टू पावर माइनस टू रूट एक्स बाय रूट एक्स माइनस वाई बाय रूट एक्स। देखो एक तो होमोजीनियस नहीं है, राइट? वेरिएबल सेपरेशन भी नहीं है क्योंकि माइनस आ गया और बीच में एक्स बाय वाई कनेक्टेड फॉर्म है। दस इज डी एक्स अपॉन डी वाई इज वन, तो है तो थर्ड फॉर्म, क्योंकि फर्स्ट और सेकेंड तो स्टेटमेंट लिखते हुए ही समझ में आ गई। डी वाई बाई डी एक्स के साथ वाई की टर्म, ये रही वाई की टर्म,
equal to q form. P kya aa gaya, q e raised to power this integrating factor and solution. Ho jayega. Question number 13, find a particular solution. Fir se dy by dx plus py equal to q form directly given hai. 14th, particular solution of dy by dx. Ab ye dekho aapke paas kaun si form hai? Dy by dx. 14th question is x plus 1 dy by dx is equal to 2 e raised to power minus y minus 1. कांस्टेंट है, कांस्टेंट को इसके साथ लिख दो, 1 अपॉन x प्लस 1 dx, इजीली यू कैन सॉल्व. अब देखो यहां प्रॉब्लम आती है आपके पास कई बार क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कि इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे, राइट? तो देखो इसको करने के लिए क्या करें, e raised to power minus y है, क्या करें इसे, लिख सकते हैं इसे, ये नीचे this LCM ले लो, मैं अभी right hand side भी integrate नहीं कर रही, इकट्ठी करेंगे integrate, इसे कैसे करें अब, सब्स्टिट्यूशन, टी पुट कर दो, तो e raised to power y dy को क्या डालोगे, माइनस dt, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस में 1 अपॉन t dt 1 अपॉन x प्लस 1 dx log t x प्लस 1, सब कुछ लॉग में आ रहा है तो इसे भी लॉग सी लिख सकते हो, टी की वैल्यू डाल दो, क्या थी, 2 माइनस ई रेस टू पावर वाई लॉग सी, इसको यहां ले आओ, माइनस कॉमन, ये प्लस हो जाएगा, इक्वल टू लॉग सी, इसको माइनस को यहां ले जाओ या माइनस को वहां एडजस्ट करके सीरीज टू पावर माइनस वन कर दो, तो लॉग से लॉग भी कट जाएगा. पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालने के लिए एक्स और वाई की जो वैल्यू गिवन है वो पुट करोगे, देन वी गेट द वैल्यू ऑफ सी, पुट इट इन दिस टू गेट द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन. तो ये आपके पास थी मिसलेनियस एक्सरसाइज, आप ट्राई करिए क्वेश्चंस, अगर कहीं किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होगा देन यू कैन राइट इट इन द कमेंट बॉक्स. So we will discuss that question, right? So in next class, we will start your next chapter, next new chapter, because that differential equation chapter today we have completed. Please like, share and subscribe my channel. Thank you.